नमस्कार पलाक और छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कैसे आप लोग, उम्मीद करूं कि सब लोग ठीक है ना। मैं बिल्कुल ठीक छू और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं मैं हूं पूनम मिश नेगी, उत्तराखंड की जिला नैनीताल कोटा पाक से। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वैसे 12:15 बजे से। थोड़ा बहुत वीडियो मैंने सुबह बना दिया था, आज सुबह मैंने शुभी के लिए नाश्ते में बनाया था बेसन का चीला। तो तब तक आप देखो सुबह का छोटा सा व्लॉग, तब तक मैं दिन का खाना बनाती हूँ और शुभी को बैठा देती हूँ खेलने के लिए। शुभी के लिए लगा रखा है तारक मेहता का छोटा चश्मा, तो शुभी देखेगी तारक मेहता का छोटा चश्मा। और आप थोड़ा सा देख लीजिए सुबह का व्लॉग और मैं जाके बनाती हूँ खाना, फिर मिलूंगी आपसे। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहा है सुबह के 9 और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है और अब मैं बना रही हूँ शुभी के लिए नाश्ता। हमारा नाश्ता तो हो चुका है, सुबह ही 8 बजे के टाइम पे हो गया था। मैंने आज हम लोग के नाश्ते में बनाया था बनाना शेक, क्योंकि शुभी के बर्थडे वाले दिन ना बहुत सारे फ्रूट्स आए थे तो केले भी आए थे, खराब हो रहे थे, केले जल्दी खराब हो जाते ना, तो बनाना शेक बना करके मम्मी पापा को दे दिया था, मैंने भी पी लिया था। मम्मी पापा चले गए हैं आज टमाटर की गुड़ाई करने के लिए और फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ शुभी के लिए नाश्ता। शुभी की मालिश पानी मैंने कर दी थी, वो सो गई थी, आधा ही घंटा सोई, ज्यादा नहीं सोई, और दिनों सोती थी वो, कम से कम 1 घंटा सो जाती थी लेकिन आज आधा ही घंटा सोई। तो शुभी के लिए मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। मैंने कल शुभी के लिए बेसन का चीला बनाया था तो इसने खाया अच्छे से। अगर अभी हम लोग रोटी बनाते ना, मैं शुभी के लिए पक्का रोटी या पराठा बनाती, लेकिन हम लोगों ने बनाना शेक पी लिया था तो इसलिए मैं शुभी के लिए बना रही हूँ। जब मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊँ तो ये बहुत शॉर्टकट है, बेसन का चिला बना लो या फिर सूजी का पैनकेक बना लो। तो मैंने ना एक छोटा छोटा प्याज काट दिया इसमें, बस इसमें डाल दूंगी। और दिन तो हम वही खाना देते हैं शुभी को जो हम लोग खाते हैं, लेकिन बनाना शेक फ्रिज में ठंडा दूध था ना उसका बनाया था मैंने। दिन में दाल चावल बनाऊंगी तो शुभी को दाल चावल ही दूंगी, बस ये डाल दिया इसमें। और थोड़ा सा नमक डालूंगी, कल रात मैंने इसके लिए पहली बार बनाया तो इसको अच्छा लगा, इसने खाया, तो इस वजह से अब ऐसा है कि जब हम लोग ऐसा नाश्ता करेंगे जो मैं शुभी को नहीं दे सकती तो शुभी के लिए मैं जल्दी से ये चीला बना दूंगी, बेसन का चीला या फिर किसी का भी जो शॉर्टकट रहता है ना, इसे शुभी खा भी लेती है। तो मैंने इसे थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा चुटकी में इसमें मैं धनिया जीरे का पाउडर डालूंगी बस। हाँ, थोड़ा सा हल्दी, और मिर्च तो हम इसमें डाल नहीं सकते इसलिए मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी थोड़ा सा। मेरे हाथ थोड़ा सा गंदे हो चुके हैं। बिल्कुल चुटकी में इसमें थोड़ा सा, दिख रहा है आपको, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें काली मिर्च, बस हो गया। तो इतने दिनों से बर्थडे की जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी तो मैं शुभी का ख्याल नहीं रख पा रही थी अच्छे से, तो अब जाकर के थोड़ा सा टाइम मिला। अब मैं उसको जो उसका पॉटी ट्रेनर वाला है नहीं पॉट, वो लेके आई थी तो उसमें भी बैठाने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन अब मैं उसको रोज बैठा रही हूँ सुबह शाम ताकि वो थोड़ा सीखे। डायपर तो मैं वैसे भी यूज करती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत सीखेगी तो आदत बन जाएगी उसकी। और फिलहाल अभी शुभी बाहर वाले कमरे में खेल रही, सारे टॉयज दे दिए उसको मैंने, चम्मच प्लेट दे दिए, मूंगली लगा रखा है तो वो देखने में लगी है। तो बातें करते करते मेरा ये घोल भी रेडी हो गया है, ये देखो, दिख रहा है आपको, इतना पतला घोल बनाना है बस। वैसे और वेजिटेबल भी काट सकते हो लेकिन मैंने बारीक बारीक प्याज काटा है, अभी कुछ था नहीं ज्यादा, हल्के फुल्के मसाले डाल दिए, बस पतला पतला सा बन चुका है। अब नॉनस्टिक पैन में बनाऊंगी मैं, इसमें ज्यादा नहीं थोड़ा सा घी डालूंगी, बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाता है, मुझे काफी अच्छा लगा ये। मैंने कल ही ट्राई करा था क्योंकि कल मम्मी पापा बर्थडे में गए थे तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं शुभी के लिए क्या बनाऊं, आटा भी नहीं था वरना मैं रोटी बनाती। फिर मेरे दिमाग में ऐसे ही सोचा कि क्या बना सकती हूँ किचन में आई, तो मेरी नजर बेसन में गई, मैंने कहा इसके लिए बना देती हूँ, खाएगी नहीं खाएगी पता तो चल जाएगा, फिर मैं देख लूंगी दूसरी चीज। लेकिन इसने सच में बहुत अच्छी तरीके से उसको खाया, इसलिए बदल बदल के भी हो जाता है ना, बच्चे रोज एक चीज खा करके बोर हो जाते हैं। ज्यादा नहीं, मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। हाँ बेटू, और शुभी भी किचन में आ चुकी है, आने की कोशिश कर रही है, मतलब ये देखो। हाँ।
मैंने शुभी के लिए यहाँ पे मैट बिछा रखी है। शुभी के सारे टॉयज मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, और प्लेट चम्मच भी रखी हुई क्योंकि शुभी को प्लेट चम्मच ज्यादा पसंद है। तो यहीं पे अपने आप खेत रहती, फैन भी ऑन कर रखा है, लेकिन ना ये वाला डोर बंद कर रखा है क्योंकि यहाँ से शुभी के बाहर जाने का डर लगा रहता है, इसलिए ये बंद कर दिया। जब हम लोग ना यहाँ पे बैठते हैं तभी इस डोर को ओपन करती हूँ मैं, वरना बंद कर देती हूँ। ये रहा शुभी जी। शुभ, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसे वाला हेलो नहीं बाबू, ऐसे वाला हेलो नहीं। शुभ को हेलो बोलो तो ये वाला हेलो बोल रही है। हाय, हाय गाइस, हाय गाइस। शर्मा गया बच्चा, शर्मा गया। खेलो खेलो। नहीं बेटा, अभी मम्मा के पास टाइम नहीं, बोलू अभी आपके लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है ना, आप खेली खेली करो, ठीक है? खेलो खेलो। तो देखिए चीला ना नीचे की तरफ से पक चुका है, आपको इसके कलर देख करके लग रहा होगा कि अभी गीला नहीं रहा है। तो बेसन का चीला एक साइड से पक गया है, तो मैं अब इसको ना पलट दूंगी इजीली। जब एक साइड से पक जाता है ना तो उसको पलटना भी इजी रहता है, कच्चा रहता है ना तो फटने का डर रहता है। तो आराम आराम से निकालूंगी मैं इसको किनारे से, आराम आराम से, आराम आराम से। तो मैंने चीले को एक साइड से पलट दिया है, अब दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पका लूंगी। फिर ऐसे दो तीन बार पलट करके अच्छे से पक जाएगा, फिर मैं शुभी को इसे खिलाऊंगी। तो गाइस शुभी के लिए बेसन का चीला बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए फिर अब मैं शुभी को जल्दी से बेसन का चीला खिला देती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आपसे। बाय बोल दो, बाय बाय। अब मेरी मम्मा नहा के मिलेगी। जल्दी से शुभी को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, और ये अपने यहाँ टीवी टीवी देखते रहते हैं, मैं फिर जल्दी से नहा के आ जाऊंगी। ये लो। तो गाइज आपने सुबह तक का वीडियो देख लिया होगा, जब तक आप वीडियो देख रहे थे तब तक मैंने हाँ काम भी कर लिया है। दाल बनने के लिए रख दिया है, बगल में रखे हुए हैं चावल बनने के लिए, और अब मैं बना रही हूँ पहाड़ी ककड़ी का रायता। ये देखिए, ये रही पहाड़ी ककड़ी, हमारे घर में नहीं हो रही है, कहीं से आ रखी है, आधी ककड़ी आ रखी है। तो चलिए फिर अब मैं जल्दी से पहाड़ी ककड़ी का भी रायता बना देती हूँ। टाइम हो चुका है, 12 बज गए हैं, और जल्दी से खाना पीना बनाती हूँ। मम्मी पापा भी खेत से आते ही होंगे। तो अभी दिन के 1 बज गया, खाना बन के तैयार हो गया है। मम्मी खीरा लेके आई थी, तो घर के पीसे हुए नमक के साथ खीरा भी काट के तैयार कर दिया है, और रायता भी बन के तैयार हो गया है। ये रहा रायता। तो बस सभी पापा आने वाले हैं, फिर हम लोग खाएंगे खाना, और शुभी ने तो खा लिया। ये रहा शुभी बच्चा। हाँ, हाय हेलो कोतो, हाय कोतो बाबू, हाय बोल बोल दे, बाय बोल दो, बाय बाय। अभी शुभी खीरा खा रही है, खीरा खाने में बिजी है। तो आज हमारे घर में एक इंसानी बंदर आया हुआ है, वो देखिए पपीता तोड़ने के लगा रखा है हमने, इंसानी बंदर। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, इंसानी बंदर, थोड़ा आराम से। ताल लगेगा हाँ पेट में, तो हाल लगा दिया जाने पे। गुड 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 गुड। कितने पपीते तोड़े आपने? चार। अच्छा गुड। तो अभी टाइम हो गया है शाम के 5:30, और लक्की अपनी साइकिल लेके आया था, और मैंने नीचे हनुमान मंदिर है वहां तक साइकिल चलाई। नीचे को तो मैं इतनी स्पीड से ले गई ना, मुझे डर लग रहा था कहीं साइकिल रुकेगी या नहीं रुकेगी, फिर ब्रेक लगा लिया था। फिर लेकिन ऊपर को आते समय लक्की को बैठा के नहीं ला पाई क्योंकि बहुत चढ़ाई हो रही थी, लेकिन यह की एक्सरसाइज हो गई अच्छी खासी मेरी। अब मैं लक्की से बोलू रोज साइकिल लेके आना, मैं रोज साइकिल चलाऊंगी यहाँ पे। और आज हमें बर्थडे में जाना है, यही पास में बर्थडे है जशन का। तो बस आज पहली बार शुभी को किसी बर्थडे पार्टी में लेके जा रही हूँ मैं। तो अभी बज गया है 7:15, और अभी हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। तो मैं, मम्मी, शुभी रेडी हो गए हैं, चलो फिर चले। बाय शुभी, आज पहली बार किसी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। आपको भी ले जा रही हूँ, कहाँ बाय कर रही हूँ। तो चलो फिर चलते हैं, देखते हैं अगर वहाँ पे शूट हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो घर आके वीडियो एंड करूंगी। अभी चलते हैं, पापा भी आ रहे हैं, लेकिन शायद पापा ताला लगा के आएंगे, पहले हम लोग जाते हैं। तो अभी बज गया है 7:30, और बर्थडे से हम लोग आ गए हैं। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय बाय। आओ खाना खा जाओ। शुभी दादू के साथ खेलने में लगी हुई है।
ये रही शुभी।